जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्नीचर गुरु में। मैं अनस, फाउंडर सीईओ अनस हैंडीक्राफ्ट। आज का वीडियो नया है बट प्रोडक्ट बहुत पुराना है, 800 साल पुराना है। ये 800 साल पहले भी था, आज भी है और 800 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि ये देश के हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे हैंडीक्राफ्ट की बात है। और मैं अलग ही प्राउड फील करता हूँ जब मैं हैंडीक्राफ्ट की बात करता हूँ। जैसे कि आप मुझे देखते होंगे, मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो और स्माइल आ जाता है, और आना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है। ये कोई मशीन से या चाइना वालों ने नहीं बनाया है, मलेशियनों ने नहीं बनाया है। इसमें हार्ट भी है, सोल भी है, और इसलिए दिखता भी है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। इस प्रोडक्ट का नाम है मुगलाई सोफ़ा। मुगलाई शासन में ये सोफ़ा चलता था और आज भी चल रहा है और बाद में भी चलेगा। आइए अभी मैं आपको सोफ़ा दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये मुगलाई टाइम में चलता था, इसलिए हम इसको मुगल सोफ़ा बोलते हैं। अच्छा, इसकी खासियत ये भी बताता हूँ, ये रिपेबल है। हिंदुस्तान में हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा खासियत है कि ये रिपेबल है, बाकी रिपेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आर्म्स है। अच्छा, हम लोग बच्चे, फैमिलीज रहती है, हम लोगों से भी कभी चाय गिर गया, कॉफ़ी गिर गया, कपड़ा गंदा हो गया, तो आप इसको पूरे को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कपड़ा चेंज कर दीजिए। अब आप बोलेंगे ये कपड़ा चेंज कहाँ से मिलेगा, तो जब भी आप किसी के यहाँ से फर्नीचर खरीदते हो तो उसके यहाँ से वो सेम कपड़ा 1 या 2 मीटर एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो अगर कपड़ा चेंज करना है तो किसी भी कारीगर से, यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है, सीट अलग हो जाती, तो वो हिस्सा आपको चेंज करना है, आपको अक्खा थोड़ी चेंज करना है। अच्छा, कलर इसमें जैसे अब आप देख रहे होंगे, इसमें जैसे जैसे आप कलर चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे डिज़ाइन भी अलग होता है। आप कपड़ा, आप जब भी सोफ़ा ख़रीदते हो तो कलर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कलर से ही सोफ़े की ब्यूटी आती है। मैं ऑलवेज़ प्रोडक्ट पे पहले बैठता भी हूँ, क्योंकि कंप्लीट सर्टिफाइड जो बोलते हैं ना, मैं जब ही देता हूँ 100%। जब मैं पूरा 5 स्टार जब दूंगा, जब मैं बैठूँगा, कंफर्टेबल है यानी, अभी मैं बैठता हूँ। वाह, रियली अभी मैं चेयर पे भी बैठूँगा। वाह, वेरी नाइस। क्या मज़ा है, क्या कल्चर है, क्या फील आता है, सच में मुगलाई महाराजा, रियल रॉयल टाइगर फील आता है। हैंडीक्राफ्ट की बात ही अलग है, कहाँ चाइना और मलेशियन इम्पोर्टेड में जाते हैं, इसको यूज़ करेंगे तो अलग ही फील होता है। अच्छा, अभी मैं दूसरी बात बताता हूँ जो थोड़ा इमोशनल भी बात है, वो ये है कि ये जब सोफ़ा बनता है तो इसमें 25 लोग लगते हैं, जैसे कि कारपेंटर हो गया, कुशनिंग वाला, पॉलिशिंग वाला, फिटर हो गया, लोडिंग वाला, अनलोडिंग वाला, मजदूर हो गया, तब जाके ये एक सोफ़ा बनता है। और अगर 25 लोग काम करते हैं तो उसके पीछे एक फैमिली के अगर 5 लोग भी हुए तो 25 को 5 से किया तो 125 लोग, 125 लोगों का घर चलता है एक सोफ़ा बनाने। तो हमारे को हमारे देश की संस्कृति को पकड़ के रखना चाहिए। और रॉयल भी है ये, किंग भी है, तो मैं तो इस मिशन पे चल पड़ा हूँ जैसा कि आप मुझे देख रहे हो। और ये इंडिविजुअल का सोफ़ा नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सोफ़ा आप अनस हैंडीक्राफ्ट से ख़रीदो, आप हिंदुस्तान के किसी भी बंदे से ख़रीदो। मैंने कभी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया ही नहीं और ना करूँगा, मेरी कोशिश यही है। लेकिन किसी से भी ख़रीदो, लेकिन कोशिश करो कि वोकल फॉर लोकल, बी इंडियन बाय इंडियन, जैसा मैं बोलता हूँ ऑलवेज, अलग ही मज़ा आता है इसका। अच्छा, कैमरामैन थोड़ा आगे लाइए, कैमरामैन अभी ये देखिए, अभी ये छुपा रुस्तम बैठा है, हमारा दिल वाला सोफा। ये ऑलवेज मैंने जैसे बोला, इसने हमारा ब्रांड बड़ा बना दिया है अनस हैंडीक्राफ्ट को। तो ये कपड़ा सेम हमने उस पर लगाया, ऑर्डर का है, ऑलवेज ऑर्डर पे रहता है दिल वाला सोफा। एक्चुअली वीडियो मुगलाई सोफे की है, ऐसे ही जस्ट दिखाई दिया, और मेरा दिल बहुत साफ है दिल वाले सोफे से, इसलिए मैं दिल वाले की बात किया। एनीवे, न्यू वीडियो में न्यू प्रोडक्ट लेकर आऊँगा अपने देश की संस्कृति और कल्चर को दिखाने के लिए। जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।